आज निफ्टी की क्लोजिंग 10,737 के पास लगभग 57 पॉइंट डाउन और साथ ही सेंसेक्स की क्लोजिंग 38,553 के पास लगभग 150 पॉइंट डाउन नीचे देखने को मिली। काफी हद तक निगेटिव और पॉजिटिव न्यूज की वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी काफी हद तक देखने को मिली। कुछ खास शेयर जिनमें अच्छी न्यूज रही और जिनमें अच्छी बाइंग देखने को मिली, जैसे कि यस बैंक अगर निफ्टी में देखें तो यहाँ पर करीब स्टॉक 6% ऊपर देखने को मिला। यहाँ पर ब्रह्म दत्त के अपॉइंटमेंट के बाद 2020 तक का जो दिया है उसका एक काफी हद तक पॉजिटिव मार्केट ने इम्पैक्ट लिया है और इसकी वजह से तेजी का रुझान रहा। साथ ही दूसरा स्टॉक अगर देखें तो यहाँ पर इंफोसिस, इसमें भी करीब 2.5% से ज्यादा की लगभग 3% की तेजी आपको देखने को मिली। और खास वजह यह रही कि इंफोसिस ने अपने रिजल्ट के बाद जिस तरीके से गाइडलाइंस जारी की हैं और साथ ही डिविडेंड और बायबैक का जो ऑप्शन यहाँ पर दिया है तो उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। साथ ही तीसरा देखें तो सन फार्मा, जिसमें कि एक अच्छी तेजी यहाँ पर बनती आई, यूएस में एक ड्रग को उनका लाइसेंस मिला है, दवा वहाँ पर रिलीज कर रहे हैं, तो उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। तो ओवरऑल सेंटिमेंट यहाँ पर पॉजिटिव बनते हुए नजर आए और ये स्टॉक्स जो है वो पॉजिटिव तरफ रहे। ऐसे ही कुछ स्टॉक बजाज फाइनेंस, मारुति, टाटा मोटर, इनमें भी काफी हद तक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल स्पेस में देखें तो निफ्टी के ज्यादातर स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग और मुनाफा वसूली देखने को मिली। खासतौर से जिस तरीके से IIP के डेटा देखने को मिले उसने बाजार को काफी निराश किया और उसी का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सेल साइड से अगर देखें तो विप्रो, यहाँ पर गेल, आईबुल, टेक महिंद्रा और साथ ही LT, ये ऐसे शेयर हैं जिनमें की काफी हद तक मुनाफा वसूली भी देखने को मिली और स्टॉक में फ्रेश सेल भी जनरेट होते हुए नजर आया। खासतौर से कुछ न्यूज की अगर बात करें तो गेल की यहाँ पर जो न्यूज थी, जैसे LPG के दाम ऊपरी लेवल से 15% तक गिरते हुए नजर आए, इस वजह से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। साथ ही LNT को बहुत लार्ज ऑर्डर नहीं मार्केट में मिल रहे हैं, इसका भी एक इम्पैक्ट स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है और काफी हद तक एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। अब कल के लिए अगर मार्केट देखें तो अभी मार्केट पे 1 से 2 दिन में वोलेटिलिटी सेम देखने को मिलेगी, काफी हद तक सीमित दायरा देखने को मिलेगा। इसी तरीके से स्टॉक स्पेसिफिक कुछ स्टॉक में बाइंग देखने को मिल सकती है। अभी भी बैंकिंग सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और खास तौर से लाइटिंग स्पेस अगर देखें तो उनमें काफी हद तक बाइंग देखने को मिलेगी, काफी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिलेगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग होगी लेकिन इंडेक्स में एक मुनाफा वसूली और देखने को मिल सकती है।